हाय एवरीवन, मैं हूं नम्रता थापा राव। मैं हूं एक एक्टर, क्रिस्टल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर भी। मैं जानती हूं आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नंबर 5 के न्यूमरोलॉजी के लिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को। तो कैसे होते हैं 5 नंबर वाले लोग, इनकी लाइफ, इनका करियर, इनका नेचर, बिहेवियर। 5 नंबर वाले लोगों की लाइफ को रूल करता है मर्क्यूरी प्लैनेट, यानी कि बुध प्लैनेट। इनका बिहेवियर, इनके नेचर में, इनके लाइफ के पैटर्न में, करियर में आपको जो भी बुध की क्वालिटीज होती हैं आपको वो नजर आएंगे। और बुध की क्वालिटीज क्या है? बुध की क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर होता है। तो इन लोगों में भी, इनकी पर्सनालिटी में या इनके बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर होती है। कोई भी इनकी तरफ इजिली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब दूसरी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक का सोच के चलते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी प्लानिंग भी करते हैं। They are also very intelligent. They are also very quick decision maker. बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन ये लोग उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का हल बहुत जल्दी निकाल लेंगे। They get the solutions very, very, very fast because they are very fast in thinking. Also, इन लोगों की communication skills बहुत अच्छी होती है। They have lot of convincing power. अब ये जो कन्विंसिंग और पावर है और कम्युनिकेशन स्किल है, ये 4 नंबर वाले लोग और 1 नंबर वाले लोगों के पास भी होती है, लेकिन नंबर 5 वाले लोग कुछ ज्यादा स्पेशल है। और वो क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर वेरी शार्प एंड विटी ऑल्सो। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस इंसान के सामने कैसी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो वो इनकी बात फौरन मान लेगा। इसलिए मैंने कहा कि इनकी कन्विंसिंग पावर इनके पास सबसे ज्यादा है। शायद किसी भी और नंबर के पास इतनी ज्यादा कन्विंसिंग पावर नहीं है। इन्हें पता है कि कैसे सामने वाले को अपनी बात के लिए मनाना है। सो एज आई सेड, दे आर वेरी 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 गुड कम्युनिकेटर। ऑल्सो 5 नंबर के लोगों की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है। ऑल्सो दे आर वेरी फन लविंग पीपल। ये लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत फन लविंग होते हैं, बहुत बहादुर भी होते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और इन्हें अपनी लाइफ को खुल के जीना, उसे एंजॉय करना बहुत पसंद है। दे ऑल्सो लव ट्रैवलिंग, दे लव फूड एंड दे लव टॉकिंग टू पीपल। ये लोग आप देखेंगे हमेशा बस बोलते ही रहते हैं। ये लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। इन्हें बस दूसरों से बातें करना और हंसी मजाक करते रहना और लाइफ को जीना, बस इसी में बिलीव करते हैं। ऑल्सो दीज पीपल आर वेरी गुड इन डूइंग बिग प्लानिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे ये लोग बहुत आगे का, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं इनके दिमाग में, जो ये हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब बात करते हैं इनके नेगेटिव नेचर के बारे में। जैसे हर नंबर की अपनी एक नेगेटिव नेचर है, ऐसे ही पांच नंबर वालों का नेगेटिव नेचर ये है कि दे डोंट लिसन टू पीपल मच, बट ये चाहते हैं कि ये हर कोई इनकी बात सुने। तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों की बात सुनने से ज्यादा अपनी बात मनवाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। थोड़े से जिद्दी और ढीठ भी होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट ये लोग ज्यादा सुनते नहीं हैं, चाहते हैं कि इनकी बात हर कोई सुने। अब करियर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 नंबर वाले लोगों के लिए मार्केटिंग करियर बहुत अच्छा है। दे आर ऑल्सो गुड फॉर ट्रैवलिंग इंडस्ट्री। Also, they are very good business owner because they have very good talking and communication skill. They have lot of convincing power. They have lot of power in handling other people and ruling the team, guiding other people. That is why they are very good business owner also. और ये लोग बहुत
क्रिएटिव फील्ड जो कि डिजाइनिंग से जुड़ी हो, या दे कुड बी गुड पेंटर्स, दे कैन ऑल्सो गो इन आर्ट लाइन. तो कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन जो क्रिएटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, ये लोग उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं. अब मैं अगर इनके फ्रेंडली नंबर्स की बात करूं तो इन लोगों की सबके साथ बनती है, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, वो है नंबर टू. नंबर टू वाले लोगों के साथ इनकी हमेशा एक नोकझोंक, खिटपिट या आर्ग्यूमेंट ही चलता रहेगा. इसलिए अगर आपका नंबर ही है 5, 14 या 23, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप या किसी के साथ, अगर आप मैरिज में भी जा रहे हैं या किसी भी तरह की पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दूसरा इंसान, उसका जो डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर है, वो 2 ना हो. क्योंकि नहीं तो हमेशा आपकी लाइफ में उस इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, या आप, वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा और आप उसकी बात से सहमत नहीं होंगे. दैट इज वाई अवॉइड नंबर 2 इन पार्टनरशिप. वेडनेसडे इज देयर लकी डे. अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे वेडनेसडे को करें. ग्रीन कलर को यूज करें. जितना ज्यादा ग्रीन कलर ये लोग पहनेंगे, या अपने पॉकेट में एक ग्रीन कलर का रुमाल हैंकी रखेंगे, तो ये जल्दी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे. और नंबर 5 वाले लोगों के लिए अगर मैं क्रिस्टल रेमेडी की बात करूं, तो अगर ये लोग अपने हाथ में, राइट हैंड में ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल को पहनेंगे, तो इनके लिए काफी वो लकी होगा. दे विल अचीव मोर सक्सेस, मोर अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन देयर करियर एंड जॉब और बिजनेस. और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि 5 नंबर वाले लोग, इनका दिल बहुत बड़ा होता है. दे आर वेरी काइंड हार्टेड पीपल ऑल्सो. ये किसी को भी प्रॉब्लम में, तकलीफ में, दुख में नहीं देख सकते, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े उस इंसान के लिए, बट ये उसकी मदद जरूर करेंगे. तो ये थे 5 लाइफ पाथ नंबर के लिए मेरे रेमेडीज और उनके लिए कुछ सक्सेस टिप्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज गिव इट अ लाइक, थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.